जय जय दोस्तों, कैसे हैं आप? आई होप आप सब बहुत खुश होंगे। तो फ्रेंड्स, करती हूँ आप सबका वेलकम पॉजिटिविटी विद रेखा में। यस, नो नेगेटिविटी। तो दोस्तों, हम हमेशा बातें करते हैं, है ना, और एंजॉय करते हैं अपने फुर्सत के क्षणों को। तो फ्रेंड्स, आज मैंने सोचा क्यों ना हम खाने की बात कर लें। अरे अरे अरे, कुछ खाना नहीं है, कुछ बनाना है। तो इसलिए मैंने सोचा कि आज मैं आपको लेकर चलती हूँ अपने किचन में। यस दोस्तों, आज मैं बनाने जा रही हूँ भरवा शिमला मिर्च। दोस्तों, भरवा शिमला मिर्च तो आपने कई बार बनाई भी होगी, खाई भी होगी आप तो, या हम कोई भी आलू की स्टफिंग करके बनाते हैं, है ना दोस्तों। पर आज मैं कुछ नया ट्राई करने जा रही हूँ, और वो मैं बना रही हूँ पनीर की स्टफिंग के साथ भरवा शिमला मिर्च। तो दोस्तों, चलते हैं किचन में, आइए मेरे साथ। आ गए हैं हम अपने किचन में, और हमने अपना पहला स्टेप ले लिया है, और वो क्या है? एप्रन। यस, जब भी किचन का काम करें तो सबसे पहले एप्रन को पहन लें। तो फ्रेंड्स, एप्रन पहनने के बाद अब हम क्या करेंगे? सबसे पहले हम पनीर को लेंगे और उसे ग्रेट करेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, पनीर को कद्दूकस करने के बाद अब हम इसमें मिक्स करेंगे एक मीडियम साइज की बारीक कटी हुई प्याज। फ्रेंड्स, प्याज इसमें ऑप्शनल है। यदि आप नहीं खाते हैं या आप ना डालना चाहें तो आप प्याज नहीं भी डाल सकते हैं। इसके बाद हम इसमें डालेंगे दोस्तों हल्की सी हल्दी। देखिए, पनीर की कोई भी डिशेस होती है तो हम उसमें हल्दी कम से कम ही रखते हैं। हल्की सी मिर्च, हल्का सा धनिया, हल्की सी अजवाइन, चुटकी भर हींग, नमक। देखिए दोस्तों, नमक हम अपने अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। अब हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा शाही पनीर का मसाला, जिससे भरवा शिमला मिर्च में बहुत टेस्ट आ जाएगा। ऊपर से मिलाएंगे थोड़ा सा हरा धनिया बारीक कटा हुआ। तो फ्रेंड्स, अब हम इस जो हमारी ये फिलिंग है इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे ताकि सभी मसाले एक सार हो जाएं। तो गाइज, हमारी स्टफिंग बनकर रेडी है, और ये बनने के बाद कुछ इस तरह से दिखेगी। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने छोटी छोटी शिमला मिर्च अच्छे से धोकर इनको साफ कर लिया है और एक छन्नी में रख दिया है। फ्रेंड्स, अब हम देखिए शिमला मिर्च को कैसे करेंगे। ऊपर से इसकी एक लेयर उतारेंगे और अंदर की जो भी फिलिंग है उसको बाहर निकाल देंगे, और इस तरह से पूरी शिमला मिर्च को खाली कर लेंगे। देखिए फ्रेंड्स, सारी शिमला मिर्च हमने खाली कर इस तरह से तैयार कर ली हैं, और अब हम करेंगे इसमें पनीर की स्टफिंग। देखिए, तो फ्रेंड्स, इस तरीके से हम अपनी सारी शिमला मिर्च को पनीर की स्टफिंग के साथ रेडी कर लेंगे। देखिए फ्रेंड्स, मैंने सारी शिमला मिर्च को रेडी कर लिया है स्टफिंग के साथ, और अब हम इनको करेंगे शैलो फ्राई। देखिए फ्रेंड्स, अब हमने चढ़ा ली है अपनी कढ़ाई गैस पर, और उसमें डाल दिया है सरसों का ऑयल। तो फ्रेंड्स, यहाँ मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगी कि जब भी हम कोई भरवा चीज़ बनाते हैं, जैसे भरवा करेले, भरवा शिमला मिर्च या भरवा बैंगन, तो दोस्तों हमें हमेशा सरसों के तेल में बनाना चाहिए। उसका जो टेस्ट होता है ना, वो बहुत ही बढ़िया होता है, और दूसरा सेहत के लिए भी बहुत बढ़िया होता है। फ्रेंड्स, ऑयल गर्म होने के बाद अब हम इसमें रखते जाते हैं एक एक शिमला मिर्च दो। ये देखिए, इस तरीके से। देखिए फ्रेंड्स, हमने सारी शिमला मिर्च
अच्छे से एक एक करके कढ़ाई के अंदर रख दी है और इनको सिम गैस करके सिम आंच पर हम लोग इनको ढक कर रख देते हैं। तो फ्रेंड्स, हमने अपनी शिमला मिर्च को कढ़ाई में पकने के लिए छोड़ दिया है। 5 मिनट के बाद हम इनको ओपन करके देखेंगे कि ये कितना सिकी है। फ्रेंड्स, मैं आपको एक बात और बताना चाहूँगी, आप चाहें तो शिमला मिर्च भरने के बाद उसको बिना कैप के भी रख सकते हैं और चाहे तो कैप के साथ भी रख सकते हैं। हमेशा मैं अपने किचन में जब भी काम करती हूँ तो मसालों का मेरा एक अंदाज होता है दोस्तों, मैं कभी मेजरमेंट नहीं करती हूँ। तो फ्रेंड्स, बाकी आपकी इच्छा पे है कि आप कैसे डालते हैं। 5 मिनट के बाद हम लोग अपनी भरवा शिमला मिर्च को देखने आ गए हैं कि वो किस मुकाम तक पहुँची है। तो देखिए दोस्तों, हमारी शिमला मिर्च कुछ इस तरीके से हो गई है, थोड़ी सी ब्राउनिश हो गई है। अब हमने इनको टर्न कर दिया है ताकि ये दूसरी तरफ से भी अच्छे से सिक जाए, ब्राउन हो जाए। एक एक करके सभी शिमला मिर्च को आप लोग टर्न कर सकते हैं। A few moments later, हमारी शिमला मिर्च बनकर पूरी तरह रेडी हो चुकी है और हम इनको अच्छे से फिर से एक बार टर्न कर देंगे ताकि इसमें अगर कोई भी कच्चापन होगा तो वो अच्छे से पक जाए। इनको अच्छे से टर्न करने के बाद 2 मिनट के बाद हम गैस को ऑफ कर देंगे और इनका टेस्ट काफ़ी क्रंची होता है दोस्तों। हम आलू की जो भरवा शिमला मिर्च बनाते हैं ना फ्रेंड्स, तो वो थोड़ी सी हमारी अच्छे से पक जाती हैं, थोड़ी सॉफ्ट हो जाती हैं। लेकिन ये जो पनीर वाली स्टफिंग की शिमला मिर्च होती है ना, ये थोड़ी क्रंची होती हैं, इसका खाने का टेस्ट बिल्कुल डिफरेंट होता है। तो दोस्तों, मैं भी एंजॉय करूँगी, आप भी करिएगा और कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा कि क्या आपने ट्राई की, यदि की तो आपको कैसी लगी। और मैं भी आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर बताऊँगी कि खाने में कैसी लगी। तो दोस्तों, आज की मेरी इस वीडियो में खाने खिलाने की बातें थी, कोई एक्स्ट्रा बातें नहीं। तो फ्रेंड्स, मिलती हूँ आपको अपनी नई वीडियो में नए विचारों के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, स्माइल कीजिए और हमेशा हंसते रहिए। बाय बाय गाइस।